मणिपुर पर सवाल, संसद में नॉनस्टॉप बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सद्दिका मनोहर सोनी। संसद में इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है। मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। वहीं मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के हंगामे थमने का नाम नहीं ले रहे। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। आपको बता दें, लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है, जिस पर स्पीकर ने अगले हफ्ते चर्चा के लिए समय दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पिछले 9 सालों में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले 2018 में भी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हालांकि यह प्रस्ताव गिर गया था। इसके समर्थन में केवल 126 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने मत दिया था। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन को विपक्ष से एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी YSRCP ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, YSRCP वो पार्टी है जो अभी तक ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है, ना ही NDA में। अब हम आपको बताते हैं YSRCP पार्टी का समर्थन कितना जरूरी है और कितना नहीं। लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। बीजेपी के पास 301 सांसद है, NDA के पास 333 सांसद है। वही पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद है। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ YSRCP का NDA को समर्थन ज्यादा मायने नहीं रखता है। हालांकि 2024 चुनाव के नजरिए से ये NDA के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। वही राज्यसभा की बात करें तो कुल 238 सांसद है। इनमें से NDA गठबंधन के पास 105 सांसद है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 93 सांसद है। ऐसे में अगर बीजेपी दिल्ली अध्यादेश पर बिल लाती है तो उससे समर्थन के 15 और सांसदों की जरूरत है। इसमें YSRCP के 9 सांसद इस अंतर को कम करने में काफी है। वही इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। आज सदन में दिल्ली अध्यादेश भी पेश किया जाएगा। इस मुद्दे पर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी मोदी सरकार को समर्थन देगी और मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाएंगे।